कानपुर दक्षिण के बारा देवी चौराहे पर युवजन सभा कानपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच नीट व जेईई परीक्षा को टाले जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बारा देवी चौराहे पर समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी के ऊपर योगी सरकार की जालिम पुलिस बर्बर लाठीचार्ज के विरोध धरना प्रदर्शन के माध्यम से न्यायिक जांच कराए जाने की भी मांग की गई। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से अखिलेश यादव, राहुल शर्मा, लखन शुक्ला, अमित मिश्रा, माना यादव आदि मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि 27 तारीख को हमारे मंडल के प्रदेश अध्यक्ष युवजन सभा के माननीय अरविंद गिरी जी, ग्रुप ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल रजा जी, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रामकरण निर्मल जी ने वहां पर राजभवन घेरने का काम किया और छात्रों के हित के लिए जी और नीट की परीक्षा को सरकार के निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट निर्णय को यह कहा कि इसको परीक्षा को आगे टाल दिया जाए, जिससे कोरोना इसी वैश्विक महामारी से चलते छात्रों के हित के लिए ये परीक्षा अगर आगे बढ़ जाएगी तो छात्र हित में लाभ होगा, लेकिन सरकार ने उनको लाठियों और डंडों से पिटवाया, जिसके लिए हम लोग ये हर जगह हर शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्षों, हमारे पार्टी के लोगों को जो लाठियां बरसाई गई हैं उसकी कृपा करके न्यायिक जाँच कराई जाए।